नंबर 11th. ओपन योर नोट्स. ओके सी समवन सेड इट वेरी करेक्टली दैट वहां पे हमें टी फाइव नहीं फाइंड करना था. इफ यू टेक सीरीज 50 टू इंटू 50 फोर इंटू 50 देन हमको वहां पे फाइंड आउट करना था टी सिक्स दैट आफ्टर फिफ्थ आवर्स. ठीक है सो जस्ट मेक करेक्शन. पीछे आंसर गलत दिया है सो डोंट डिपेंड्स ऑन बैक साइड आंसर्स टोटली बिकॉज उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत हैं. सो टी सिक्स इक्वल टू ए आर रेस टू फाइव जस्ट इतना करेक्ट कर लो. समझा सबको मैंने करेक्शन क्या बोला? और रिपीट करूं? यस यस और नो? क्वेश्चन नंबर 11th क्या करना है? फाइंड क्या करना था? हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर्स. ओके हमने क्या फाइंड किया था? टी फाइव फाइंड कर लिया था बट ये जो 50 है ये ओरिजिनली प्रेजेंट है. ओके सो आफ्टर वन आवर मेरा होगा 2 into 50 सो देयर फोर टू फाइंड आफ्टर फिफ्थ आवर्स हमें फाइंड आउट करना है टी सिक्स. सो बस इतना करेक्ट कर लो. ओके सो ए विल बी 50 इंटू आर इज टू टू फाइव. ओके 1600 1600 या तो पीछे के बहुत से आंसर ऐसे हैं जो गलत हैं तो हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो. ठीक है नाउ बैक टू एक्सरसाइज 2.2. वी डिड अप टू क्वेश्चन नंबर 3rd फर्स्ट वन करेक्ट. हाँ सो सेकंड से स्टार्ट करते हैं. राइट डाउन क्वेश्चन. फॉर अ जीपी For a GP, sum of first three terms, sum of first three terms is 125. Sum of first three terms is 125. And sum of next three terms and sum of next three terms is 27. Find the value of R. Find the value of R. I repeat, for a GP, sum of first three terms is 125 and sum of next three terms is 27. Then find the value of R. Okay. Now tell me, हमारे पास क्या क्या है, क्या दिया है? S3 equals to 125. Yes, S3 equal to 125. Why? Because sum of first three terms, starting के terms का sum दिया हमें, that is T1 plus T2 plus 3T. T3 ये हो गया मेरे तीन टर्म्स. इनका एडिशन इज नथिंग बट S3. दिस इज इक्वल टू 125. एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स. नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन से आएंगे? T4 T5 T6 व्हिच इज इक्वल टू 27. बराबर. नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है? R. सो दो मिनट सोचो जरा कैसे करेंगे, देन आई विल टेल यू. मैम AAR स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं? ट्राई करो.
एनीवन? ओके सी, हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं? सिक्स. सर और टी थ्री माइनस क्या किया है, क्या लिखा है, टी सिक्स. या सो टी सिक्स माइनस टी थ्री करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टी सिक्स माइनस टी थ्री लास्ट थ्री टर्म्स. पक्का? सी वापस से देखो, मतलब क्या है टी सिक्स? no, मतलब कि नहीं मिलेगा. टी सिक्स इज जस्ट अ टर्म, ये हमारा सिक्स्थ टर्म है. हम इससे क्या कर रहे हैं, टी थ्री यानी कि थर्ड टर्म माइनस कर रहे हैं. समझ आया? तो ये नहीं करना है. ओके इट्स ओके. सो सी टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव प्लस टी सिक्स दिस इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 125 प्लस 25. S6. करेक्ट, बिकॉज सम ऑफ सिक्स टर्म्स. करेक्ट. नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ दिस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री. 125. करेक्ट. दिस इज नथिंग बट आर एस थ्री प्लस. एंड वैल्यू ऑफ टी फोर टी फाइव टी सिक्स 27 इक्वल टू एस सिक्स. सो देयर फोर एस सिक्स मुझे क्या मिलेगा? 27 प्लस 152. सो अभी मेरे पास दो वैल्यू हैं, दैट इज एस सिक्स इक्वल टू 152 एंड एस थ्री इक्वल टू 125. कैन वी फाइंड आउट आर रिपीट करो एक बार. हमारे पास दो वैल्यूज हैं. अच्छा कहां से रिपीट करना है? स्टार्टिंग से. यस टेल मी. सी हमें करना क्या है, एस सिक्स इक्वल टू 152 है हमारे पास, बराबर ये हमने फाइंड आउट किया है. एंड एस थ्री इक्वल टू 125 ये दिया है. नाउ बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस क्या हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं? यस यस. कैसे करेंगे? गिरीश ने आंसर दिया. गिरीश यस मैम. या सो 3/5 आंसर मिला ना आर का. हाँ मैम. हाँ नाउ टेल मी कैसे करेंगे? मिस T1, T2, T3 इसको A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर कंसिडर किया. A, AR एंड AR स्क्वायर कंसिडर किया देन और आगे के टर्म्स को AR क्यूब, AR रेस्ट टू 4 और AR रेस्ट टू 5. 4, AR रेस्ट टू 5. ओके देन R क्यूब कॉमन निकाला सेकंड में. यहां से R क्यूब कॉमन निकाला. ओके तो मिलेगा मुझे A प्लस आर, एक मिनट, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर. ओके मैम ए भी तो कॉमन निकाल सकते हैं ना. इससे डिवाइड किया ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर से. हाँ करेक्ट, बिकॉज अभी ये वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है दैट इज 27. यस सो देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय एंड ये वैल्यू क्या है? 125 3/5. दिस इज इक्वल टू 3/5. करेक्ट. या दिस इज मोर इजियर देन दिस. सो डोंट यूज दिस इक्वेशन, यू कैन डायरेक्टली डू दिस. ठीक है समझा सबको क्या किया है? रिपीट करूं? सी हाँ मिस रिपीट करूं. हाँ देखो हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स दैट इज, सो कंसीडर कर लो जीपी
AR, AR square, AR cube, AR raised to 4 and AR raised to 5. ये हो गए मेरे सिक्स टर्म. तो स्टार्टिंग का एडिशन मुझे दिया है 125 a plus ar plus ar square equal to 125. ठीक है. देन इसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स का मुझे एडिशन दिया है ar cube plus ar square ar raised to 4 plus ar raised to 5 equal to 27. बराबर. अब मैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 कैन आई टेक आर क्यूब कॉमन. यहाँ पे भी आर क्यूब है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी, करेक्ट. सो आर क्यूब कॉमन निकाल लो. यहाँ पे बचेगा a प्लस a आर रेस टू 4 से आर क्यूब कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या r प्लस a आर रेस टू 5 से आर क्यूब कॉमन निकाला तो क्या बचा r स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 27. अब ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1. So therefore r cube into 125 equal to 27. मुझे r cube find out करना है तो बाकी सारे value RHS में लेके जाओ. 27 by 125 बराबर. Cube root लो both side or you can do it in this way. 3 cube divided by 125 is 5 cube. Comparing on both side, you will get r equal to 3 by 5. ओके हो गया सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th. फॉर जीपी फर्स्ट वन T3 इक्वल टू 20, T6 इक्वल टू 160. सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ S7. T3 इक्वल टू 20, T6 equal to 160 to find S7. Okay, so to find S7, we know that Sn equal to A into R raised to N minus 1 upon R minus 1. Correct. So, abhi Sn find karne ke liye sabse pehle mujhe kya chahiye? A and R. So by using these two equation, find out value of A and R. ठीक है. Since for GP, Tn equal to AR raised to N minus 1. So T3 क्या मिलेगा? AR square equal to 20. Now T6 क्या मिलेगा? AR raised to 5. अब दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे AR raised to 5 upon AR square equal to 160 by 20 तो क्या मिलेगा? R cube is equals to 8. Answer, yeah. R cube is equals to 8. So R equal to 2. Now substitute this value in any of this equation 1 or 2 and find out value of A. Means 5 A. A5. Yeah. A is 5. A5. So, therefore, A equal to 5. Abhi A aur R mil gaya. Now, substitute this both value here. So, hame pucha kya hai? S7. S7 equal to A into R raised to 7 minus 1 upon R minus 1. 635. Correct. So same question है इसके बाद का question, second sub question इसका. So second one is homework. Same ऐसे ही करना है, ठीक है.
नेक्स्ट करें, हो गया सबका? नो मैम. ओके कंप्लीटेड. ये वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिखना. Done, ma'am. Done? Yes. Okay. Question number 5, something different. Find the sum to n terms. Find the sum to n terms. So question is 3 plus 33 plus 333 plus and goes on. Okay. अभी यहाँ पे चार टर्म दिए है, 1, 2, 3, 4. हमें n टर्म तक सम फाइंड आउट करना है, अप टू n टर्म. इनका एडिशन हमें फाइंड आउट करना है. बट अगर तुम ध्यान दोगे तो ये जो टर्म्स हैं ये जीपी में नहीं है. चेक करके देखो. यस बराबर. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे SN फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है. तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो ऐसे सम्स को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है. सो सिंस SN इक्वल टू 3 प्लस 33 प्लस 333 एंड गोज ऑन अप टू n टर्म्स. ओके नाउ टेल मी, कैन आई टेक 3 कॉमन? यस यस. So, 3 कॉमन निकालो. यहां से 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस यहां से 3 कॉमन निकालोगे तो 11 प्लस 1 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
ओके इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, सो ये हो गया डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9, अप टू n टर्म्स, देन ये 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म से, तो क्या आ जाएगा 3 बाय 9, 9 इंटू 1 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड गोज ऑन अप टू n टर्म्स, इतना समझा? मैम सबसे पहले क्या करना है, क्या 9 n होएगा ना, वेयर n टर्म्स के इधर, क्या ये n टर्म मुझे पता नहीं है कि 9 कितने बार रिपीट होगा, दैट्स व्हाई आई रोट दिस n टर्म्स। मैम 9 क्यों लिया, बताती हूँ ना, आगे बताती हूँ, तो मैम 9 कंसिडर करना, क्यों कंसिडर करना है, बिकॉज नाउ दिस इज इक्वल टू 3 बाय 9, सी दिस इज द प्रोसेस, जब भी तुम्हें ऐसे सीक्वेंस मिलेगा जहां पे नंबर सेम हो लेकिन नेक्स्ट डिजिट में वो डबल हो रहा हो, मतलब कि रिपीट हो रहा हो नंबर एक एक करके, तो उस टाइम पे प्रोसेस यही अप्लाई करना, ओके नाउ ओके टेल मी 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकती हूँ, यस यस 9 को 100 माइनस 1 लिख सकती हूँ, माइनस 1 यस सिमिलरली 999 को 1000 माइनस 1 1000 माइनस 1 हाँ तो रिप्लेस करो, लेकिन ब्रैकेट यूज करो प्रॉपरली, तो 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 एंड गोज ऑन अप टू n टर्म्स, वी डोंट नो दिस n टर्म, ओके इतना हो गया, देन इसके बाद ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो मुझे क्या मिलेगा 3 बाय 9, ये हो जाएगा 10, अभी मैं ये जो 10 100 1000 ये सारे टर्म्स एक साथ लिखूंगी एंड माइनस 1 के टर्म्स एक साइड लिखूंगी, चलेगा ना,
जस्ट रीअरेंजमेंट कर रही हूं मैं. सो ये हो जाएगा मेरा अप टू एन टर्म्स एंड प्लस माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन. ये कितने बार रिपीट होगा? एन टर्म्स. ये स्टेप समझा सबको मैंने क्या किया? मैं स्मॉल एग्जांपल से भी बताती हूँ. सपोज मेरे पास ये टर्म्स हैं 10 माइनस वन प्लस 100 माइनस वन. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये कुछ ऐसा दिखेगा ब्रैकेट ओपन करोगे तो. तो मैंने सिर्फ अरेंजमेंट किया है, 10 प्लस 100 को एक साथ लिखा है, माइनस वन को एक साथ लिखा है. बराबर? यस. सेम अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे एन टर्म्स के साथ की है, नथिंग एल्स. यहाँ तक समझा? यस. ओके, मुझे बताओ, एक मिनट, टेक माइनस साइन कॉमन, 3/9, 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू एन टर्म्स. यहां से माइनस कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू एन टर्म्स. ओके, नाउ टेल मी, अगर 1 को मैं एन टाइम्स ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एन. व्हाई? बिकॉज 1 प्लस 1 gets us 2. 1 plus 1 plus 1 क्या आएगा? 3. अगर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 टाइम रिपीट हो रहा है, that means 4 टाइम once, correct? Similarly, अगर ये n टाइम ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? n into 1, which is nothing but n. बराबर? Okay. Yes. अभी मुझे फाइनली इक्वेशन मिलेगा 3/9 10 plus 100 plus 1000 so n up to n terms minus n. ठीक है, अभी ये वाला देखो टर्म 10 प्लस 100 प्लस 1000, क्या ये सीक्वेंस जीपी में है? यस यस यस. 10 100 1000 अप टू n टर्म्स, करेक्ट? Now, since, तो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा फिर इसके बाद का. सिंस 10, 100, 1000 अप टू n टर्म्स आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेर a इक्वल टू 10 एंड r इक्वल टू 10. बराबर? ओके, तो अब बताओ मुझे इनका सम क्या आएगा? सम ऑफ एन टर्म्स. सो सम ऑफ एन टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ए इज योर 10, आर रेस टू एन, दैट इज 10 रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1. बराबर? यस. दिस इज इक्वल टू 10/9 into 10 raised to n minus 1. ये value substitute करो यहाँ पे, इसको equation डाल दो, equation 1. So therefore Sn equal to 3/9, ये bracket का sum हो गया मेरा 10/9 into 10 raised to n minus 1 and minus n. बराबर? अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, आगे नहीं किया तो भी चलेगा, अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 रेज टू एन माइनस 1, 9 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 9 एन डिवाइडेड बाय 9. ये मुझे मिलेगा 1/27 10 रेज टू एन माइनस 1 माइनस 9 एन. ठीक है, सी आई रिपीट प्रोसीजर रिपीट करती हूँ. जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखेगा सेम नंबर बट उसका जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है वो नेक्स्ट टर्म में बढ़ता जाएगा, अगर ऐसे सीक्वेंस दिखे तो क्या करना है? सबसे पहले वो जो नंबर है वो कॉमन निकालो, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो 9 से.
जो मल्टीप्लिकेशन किया है 9 को, वो 9 को मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म से, ब्रैकेट में ले अंदर ले जाओ, ठीक है। इसके बाद रिप्लेस दिस 9 बाय 10 माइनस 1, 99 बाय 100 माइनस 1, 999 बाय 1000 माइनस 1 एंड सो एंड अप टू एन टर्म। उसके बाद जो तुम्हें सीक्वेंस मिलेगा 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये तुम्हारा जीपी में होगा, एंड सेकेंड टर्म के जो एडिशन है वो माइनस एन आएगा, ठीक है। इसके बाद से तो इजिली सॉल्व हो जाएगा, सो चेक इट आउट वंस अगेन एंड टेल मी डाउट है तो। मैम लास्ट में वो 1/27 कैसे आया? सी ये 1/9 है ना, ये कैंसिल करो। ओके तुम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, 3/9 इज 1/3, आई फॉरगेट टू कैंसिल आउट, तो तुम यहाँ पे सिंपलीफाई कर सकते हो। ओके मैम। Done? Yes. Yes. Okay. So next question same है, बस sequence दिया है 8+88+888 and so on up to. So ये कर लोगे? Yes ma'am. Same ऐसे ही करना है. So homework. Okay. Question number 5, second one. Now, question number 6, find the sum of n terms. Now the sequence is 0.4 plus 0.44 plus 0.444 and goes on up to n terms. Ye hai mera SN. ओके नाउ अगेन ये जो सीक्वेंस है 0.4 0.44 एंड दिस, ये जीपी में नहीं है तो हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप सेम है, कॉमन निकालो 4 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 111 No, not one. Okay, जब भी जब भी हम कोई नंबर कॉमन निकाल रहे हैं या कोई चीज कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर बचेगा क्या, ये देखने के लिए क्या करना है? अगर तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो डिवाइड करो, 0.4 को डिवाइड करो 4 से, जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो 0.1 प्लस 0.44 से 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा? 0.11 सिमिलरली 0.111 प्लस सो एन अप टू एन टर्म्स, सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करते जाना है, देन अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। सो मैं डायरेक्टली 9 मल्टीप्लाई कर दूं अंदर? यस हाँ, सो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है एंड देन 9 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 0.99 up to n terms,
अब हमें करना है रिप्लेसमेंट. नाउ 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9. 0.9. 1 minus 0.01 is equal to 0.99. Correct. Samjha yes. replacement kya karna hai? Yes. So this is equal to 4/9. 0.9 ko replace karo. 1 minus 0.1 plus 1 minus 0.01 plus 1 minus 0.001. And so on up to n terms. Okay. अभी क्या करना है? 1, 1, 1. ये separately लिखो. 0.1, 0.01, 0.001. ये sequence अलग से लिखो. Arrangement करो. So this is equal to 4/9. So 1 तो सारे addition में है. Correct. So 1 plus 1 plus 1 plus so on up to n terms. Okay. Now. माइनस 0.1, माइनस 0.01, माइनस 0.001 अप टू एन टर्म्स. माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये टर्म्स एडिशन में आ जाएंगे. समझा? यस. या नाउ ये एडिशन क्या मिलेगा? वन को एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं. एन सो 4/9 एन माइनस 0.1 plus 0.01 plus 0.001 and so on up to n terms. अभी ये सीक्वेंस चेक करो, क्या ये जीपी में है? दिस सीक्वेंस कंसिडर सीक्वेंस 0.1 0.01. सिंस 0.01 डिवाइड बाय 0.1 गिव्स 0.1. Yeah, 1 upon 10, that is 0.1. Similarly, yes. 0.001 divided by 0.01 equal to 0.1. And therefore, the sequence is in GP. Or in GP. Where A equal to 0.1 and R equal to 0.1. So, addition kya aega n terms ka? Therefore, sum of n terms equal to A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. Correct. So, A is 0.1, 1 minus 0.1 raised to n divided by 1 minus 0.1, which is nothing but 0.1 divided by 0.9. 1 minus 0.1 raised to n. Now, ये क्या आ जाएगा? 1/9? Multiply yes. and divide yes. करो 10 yes. से. 1/9. Yes, 1/9. Decimal के बाद के digit, एक एक digit है दोनों में, so decimal हट जाएगा. 1/9. 1 minus 0.1 raised to n. यह आ गया मेरा sum. For this bracket. So therefore, value substitute करो, Sn equal to 4/9, n minus 1/9, 1 minus 0.1 raised to n. अगर simplify करना है, तो cross multiply करो यहाँ पे 9 से, 9 minus 9n minus 1 minus 0.1 raised to n divided by 9, which is nothing but 4/81. 9n minus 1 minus 0.1 raised to n. Use brackets properly because minus sign hai. Check kar lo ek baar starting se.
एंड सी तुम लोग यहाँ पे a इंटू आर एस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन भी यूज कर सकते हो, ठीक है? इट्स अप टू यू, दोनों फॉर्मूला सेम है. हो गया? नो मैम. ओके कंप्लीट कर लो. डन डन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेम. फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 0.5 0.05 0.005 एंड बोसन. सी सबसे पहले सिंप्लीफाई करने से पहले हमें चेक करना होता है कि जो सीक्वेंस दिया है वो जीपी में है या नहीं. अगर वो जीपी में नहीं है तो हम अरेंजमेंट्स करते हैं. तो पहले चेक करो ये जीपी में मिल रहा है या नहीं. हमें फाइंड आउट करना है SN, that is N terms का addition, 0.5 plus 0.05 plus 0.005 and goes on up to N terms. Now, since this sequence is in GP, are in GP where A is 0.5 and R is 0.1. So, अब addition find out कर लोगे n terms का? Yes. Yeah, do it. Directly formula apply करना है. ओके तो कंप्लीट करो. आई विल बी बैक इन जस्ट 2 मिनट्स. यस क्या मिला आंसर? क्या मिला? 5/9 1 - 0.1 raised to n. या करेक्ट करेक्ट. चेक कर लो फाइनल आंसर आएगा 5/9 1 - 0.1 raised to n. ठीक है. सो सिमिलरली क्वेश्चन इसका सब क्वेश्चन 2. सो सब क्वेश्चन 2 होमवर्क. नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8. ए सबका हो गया क्या? यस यस. हाँ सो क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट अ मिनट कहाँ चला गया. या फॉर अ सीक्वेंस For a sequence, if SN equal to 2 bracket mein 3N minus 1, for a sequence, if SN equal to, see, even I can show you, wait. Is it visible? Yes.
यस मैम. हाँ सो राइट डाउन क्वेश्चन सी. Yes, you muted. Yes, you muted. Yeah, call आ गया था. Sorry. Okay. So for a sequence, if Sn equal to 2 into 3 raised to n minus 1, find the nth term. Hence, show that the sequence is a GP. Done? Yes. Yes. Okay. Now, solve कैसे करेंगे? हमें Sn दिया है, Sn equal to 2. Yeah. Sn equal to 2 into 3 raised to n minus 1. हमें find out करना है Tn. And hence show that the sequence is a GP. Okay. तो मैंने Tn एंड Sn के लिए एक रिलेशन दिया था, याद है किसी को? चेक करो नोट्स में. Sn I gave you Sn minus S minus 1 is equal Tn. Tn. So Sn minus Sn minus 1 is equal to Tn. तो हमारे पास Sn है, तो क्या हम Sn minus 1 फाइंड कर सकते हैं? Yes. Yeah. तो क्या करना है? Replace by n minus 1. Yeah, replace n by n minus 1 in equation 1. तो Sn minus 1 equal to हो जाएगा. अगर हम LHS में replacement कर रहे हैं, तो RHS में भी करेंगे. So, this is 2 into 3 raised to n minus 1 minus 1. बराबर. Now, therefore, Tn equal to Sn minus Sn minus 1 which is equal to अब value substitute करो 2 into 3 raised to n minus 1 minus 2 into 3 raised to n minus 1 minus 1. इसको simplify करने के लिए 2 से multiply करने की जरूरत नहीं है, दोनों में 2 common है, so take 2 common. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3n minus 1 minus यहाँ पे क्या बचेगा? 3 raised to n minus 1 minus 1. Minus sign से bracket open करो. 2 into 3 raised to n minus 1 minus 3 raised to n minus 1 minus minus plus 1. ये 1 1 cancel हो जाएगा. बराबर? Now, yes. This is equal to 2 3 raised to n minus 3 raised to n minus 1. बराबर. अभी मैं ये 3 रेज टू n को n माइनस 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ? यस यस. मैंने सिर्फ 1 प्लस n माइनस किया है. ओके. नाउ बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस दिस इज इक्वल टू 2 इनटू 3 रेज टू n माइनस 1 इनटू 3 माइनस 3 रेज टू n माइनस 1 लिख सकते हैं? यस. बराबर. अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? मैम रिपीट करो. ओके सी, यहां तक समझ आया? 3 रेज टू n माइनस 3 रेज टू n माइनस 1 कैसे मिला? इसके yes. बाद क्या करना है? ये है मेरा n माइनस 1, ये है मेरा n. मैं n माइनस 1 को तो n में नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगी, बट n माइनस 1 यहाँ पे हम ला सकते हैं क्या? बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1. तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है 1. Yes. Yes. Now, अभी इसको as a two term consider करो. N minus 1 को एक term and 1 को एक term. Now, you know this law of indices. A raised to n plus n is equal to a raised to n into a raised to n. तो मैंने दोनों को separate कर दिया. 3 raised to n minus 1. अब ये मैंने क्यों किया? Because I want to take 3 raised to n minus 1 common. समझा? ले सकते हैं क्या 3 raised to n minus 1 common?
बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल आएगा वन, सो थ्री एन माइनस वन कॉमन निकाल लो, यहाँ पे मुझे मिलेगा टू इंटू थ्री रेस टू एन माइनस वन, कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू टू इंटू थ्री रेस टू एन माइनस वन इंटू टू विच इज फोर इंटू थ्री रेस टू एन माइनस वन, ये हो गया मेरा टी एन. ओके अब इसको जीपी प्रूफ करना तो आता ही है, हमने करा हुआ है ऐसा सम बराबर. यस तो जीपी कैसे प्रूफ करेंगे, आइदर यू एन इज इक्वल टू वन या वन टू थ्री फोर सम्स निकाल लो, या फिर जनरल टर्म अगर निकालना है तो प्लस वन अपॉन टी एन इक्वल टू कांस्टेंट कांस्टेंट प्रूफ करो. ठीक है इसके आगे का कर लोगे या मैं करूं अभी? इट्स वेरी इजी. हाँ तो ये वाला जो है वो इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा. सी बिकॉज टी एन इज दिस, तो टी एन प्लस वन इक्वल टू क्या होगा, रिप्लेस करो एन को एन प्लस वन से, तो मुझे मिलेगा फोर इंटू थ्री रेस टू एन प्लस वन माइनस वन, मुझे मिलेगा थ्री रेस टू एन. डिवाइड करोगे तो फोर फोर अपने आप कैंसल हो जाएगा, थ्री एन कॉम फोर इंटू थ्री रेस टू एन माइनस वन, फोर फोर कैंसल. यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस, थ्री रेस टू एन माइनस एन प्लस वन माइनस सो टर्म्स फाइंड आउट करना है तो भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है एंड देयरफॉर गिवन सीक्वेंसेस अ जीपी. मैम ये सम को थोड़ा डिफरेंट वे से क्या तो चलेगा? कैसे करना है? वो क्वेश्चन में दिया है ना एस एन इक्वल टू टू ब्रैकेट थ्री रेस टू एन माइनस वन. हाँ तो फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आर कंपेयर करके आर इक्वल टू थ्री और ए इक्वल टू फोर आएगा. ओके नाउ लिसन टू मी, हम कंपेयर कब करते हैं? जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स बोथ साइड हो, करेक्ट? यस. अभी देखो अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा थ्री रेस टू एन माइनस वन, सो आर रेस टू एन माइनस वन में ले सकती हूँ थ्री रेस टू एन माइनस वन, एंड ए अपॉन आर माइनस वन में कंसिडर कर सकती हूँ टू. या तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन डू इट. Okay. Yes, ma'am. See, एक सम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. So, even you can share your methods with me. करें next question. Or yes. I guess हो जाएगा क्या ये वाला? ओके राइट डाउन नाइन्थ वन, एक मिनट आई विल शो यू. नाइन्थ वन, इफ एस पी आर द सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी रिस्पेक्टिवली then verify that.
हो गया क्या? नो मैम. यस यस मैम यस. यस मैम. डन. ओके. सो एस क्या दिया है? सबसे पहले तो हमारे पास एन टर्म्स हैं जीपी के, बराबर. सो एन टर्म्स पहले हम कंसिडर करेंगे. कंसिडर एन टर्म्स ऑफ जीपी ए ए आर ए आर स्क्वायर. टेल मी लास्ट टर्म. ए आर एन माइनस वन. ए आर एन माइनस वन. ये हो गया मेरा एन टर्म. नाउ अब हम एक एक करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर एस, फॉर आर एंड फॉर पी. ठीक है. सो सिंस एस इज सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, करेक्ट. सो एस इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो एन अप टू एन टर्म्स हमें ऐड करना है. नाउ दिस इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर. ये हमें डायरेक्टली मिला, करेक्ट. अभी फाइंड आउट करेंगे पी. सो पी क्या दिया है? सिंस पी इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, सो पी इक्वल टू ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू सो एन अप टू ए आर रेज टू एन माइनस वन. दिस इज इक्वल टू, जब तुम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करोगे तो ये क्या आएगा? ए रेज टू वन प्लस सो एन अप टू एन टर्म्स. एंड हियर आर रेज टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो एन अप टू एन माइनस वन. ये समझा? यस यस मैम समझा. अभी इसके बाद वन प्लस वन अप टू एन टर्म्स क्या आएगा? एन, बराबर. अभी हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है? दिस सम 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो एन अप टू एन माइनस 1. ये सम क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. सो पी इक्वल टू ए रेज टू एन इंटू आर रेज टू 1 प्लस 2 प्लस. अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कभी पढ़ा है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स? नो. नहीं ना? ठीक है, जाने दो. यस यस. क्या होता है? पता है फॉर्मूला? पता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, तो मैं दो तरीके बताती हूँ. अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहता है तो फर्स्ट वन इज सिंस वी नो दैट सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो एन अप टू n, इसका सम हमेशा होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, बराबर. अभी हमारे पास एडिशन है सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल टर्म्स, तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर 1 प्लस 2 प्लस n माइनस वन मुझे क्या मिलेगा? n को रिप्लेस करना है n माइनस वन से, बराबर, डिवाइडेड बाय टू. दिस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू n बाय टू. समझा? yes. Yes. अगर मैंने तुमको बोला फाइंड आउट सम ऑफ फोर नेचुरल टर्म्स, तो क्या करोगे? एन के जगह पे बस फोर सब्स्टिट्यूट करना. yes. अगर मैंने बोला फाइंड आउट सम ऑफ टू एन नेचुरल टर्म्स, तो क्या करोगे? एन के जगह पे टू एन सब्स्टिट्यूट करोगे. सिमिलरली अब हमें यहाँ पे सम ऑफ एन माइनस वन नेचुरल टर्म्स चाहिए, तो एन को मैंने रिप्लेस किया एन माइनस वन से. ओके okay. ये तब करना है जब तुम्हें फॉर्मूला याद हो. एंड फॉर दोज जिनको फॉर्मूला नहीं याद है या जिसने नहीं पढ़ा है अब तक, उनके लिए सिंस वन टू थ्री एंड सो एन अप टू एन माइनस वन आर इन एपी, बराबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, वेयर ए इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू वन. नाउ यू नो दैट कि सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या डी इज इक्वल टू वन. तो सम क्या हो जाएगा? ओरिजिनली फॉर्मूला इज एन बाय टू फॉर सम ऑफ एन टर्म्स, बट हमें एन माइनस वन टर्म चाहिए.
So n minus 2 divided by 2, 2a plus n minus 1 minus 1 into d. Samjha? Ye samjha sabko? Since mera formula kya tha? Yes. Sn equal yes. to n by 2, 2a plus, 2A plus n, minus n minus 1d. 1d. But ab mujhe kitne sums chahiye? N minus n 1 minus term 1. Chahiye. तो n मेरा रिप्लेस हो जाएगा n माइनस 1 से. दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 बाय 2. a इज 1 सो 2 प्लस n माइनस 2 d इज 1. 2 2 कैंसिल n इनटू n माइनस 1 बाय 2. समझा दोनों मेथड? जो तुमको याद रहता है. अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उस टाइम पे तुम ये यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो. करें आगे. Yes. Okay. So यहाँ पे मेरा P क्या आ जाएगा? ये तो मैं दिखाना है question answer में, ठीक है? Now इसके बाद आएगा therefore P equal to a raised to n r raised to n into n minus 1 by 2. ये हो गया second. अभी third find out करना है capital R. Capital R क्या था? Since capital R is sum of reciprocals of n terms. Sum of reciprocal of n terms. मतलब क्या करना है? ये जो मेरा sequence है, इसके हर एक term का reciprocal लेना है and then add करना है. That means 1 upon a plus 1 upon ar plus 1 upon ar square and so on up to 1 upon ar raised to n minus 1. बराबर? अब मैंने तुम्हें एक property बताया था कि अगर सीक्वेंस तुम्हारा जीपी में है तो उसका रेसिप्रोकल भी जीपी में आएगा. याद आया? यस यस. तो ये भी सीक्वेंस मेरा जीपी में है वेयर ए इक्वल टू डोंट डिनोट बाय ए नाउ फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 बाय ए एंड कॉमन रेशियो इज बताओ कॉमन रेशियो क्या आएगा? 1 by r 1 by r 1 by r 1 upon r. तो अब सम फाइंड आउट कर सकते हो. देयरफॉर r इक्वल टू फार्मूला क्या आएगा? फर्स्ट टर्म दैट इज 1 बाय a नाउ 1 माइनस 1 upon r raised to n बिकॉज़ ये n टर्म्स है मेरे पास डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय r. ठीक है, अभी इसको क्या करना है? सिंपलीफाई करना है. So this is equal to 1 upon a. Now, r ये हो जाएगा 1 upon r raised to n divided by r cross multiply करो r minus 1 upon r, which is equal to 1 upon a into ये division में है, multiplication में रखूँगी तो एक reciprocal. Reciprocal होएगा. Into यहाँ पे cross multiply करोगे तो मिलेगा r raised to n minus 1 upon r raised to n. बराबर? अब मेरे पास सारे टर्म्स आ गए हैं s p r. मुझे क्या करना है? बस वेरीफाई करना है दैट s by r raised to n equal to p square. तो सबसे पहले s by r भी फाइंड आउट कर लो. s by r equal to s क्या था? a into 1 minus r raised to n upon 1 by 1 minus r divided by r क्या है? 1 upon a into r upon r minus 1 into calculation ध्यान से करना r raised to n which is equal to. अभी ये सारे term अगर मैं numerator में लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? reciprocal लेंगे उसका. So a into 1 upon a हो जाएगा a by 1 into r minus 1 by r into r raised to n minus 1 sorry into r raised to n upon r raised to n minus 1 into abhi ye already mere paas tha 1 minus r raised to n upon 1 minus r. samjha ye wala step? samjha sabko ye jo denominator tha isko main numerator mein leke gayi to sare term ka reciprocal lena hai. theek hai.
इसके बाद ये देखो दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर yes. मैं यहाँ पे लिखती हूँ ठीक से एस बाय आर इक्वल टू ए इंटू ये आज टाइम हो गया तुम्हारा लेक्चर कितने बजे का है नेक्स्ट 3:30 ओके गिव मी 2 मिनट्स जस्ट या सो इंटू ये सबको न्यूमरेटर में लेके जाओ ए इंटू आर माइनस वन बाय आर इंटू आर माइनस वन अपॉन आर एस टू एन माइनस वन ओके नाउ दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए ए स्क्वायर इंटू अभी क्या ये वाले ब्रैकेट को मैं लिख सकती हूँ आर एस टू एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर माइनस वन यहाँ से माइनस कॉमन निकालो यहाँ से माइनस कॉमन निकालो बराबर इंटू आर माइनस वन अपॉन आर इंटू नाउ सी ठीक है कैंसल हो गया नाउ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है क्या तो ये हो जाएगा आर रेस टू एन माइनस वन दिस इज माई एस बाय आर अभी तुम लोग असेंबल कर सकते हो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ कर सकते हो दिस पार्ट आई एम लिविंग फॉर यू कर लोगे yes. See. Yes. मेरे पास s by r है एंड देन p भी है सिर्फ क्या करना है इसका पावर n राइज या तो ये हो जाएगा s by r रेस टू n लोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर r रेस टू n माइनस वन n विच इज इक्वल टू a टू n इंटू r रेस टू n इंटू n माइनस वन RHS मुझे p स्क्वायर लेना है p इज नथिंग बट a n दो मिनट मैम r raised to n n minus 1 divided by 2 this is equal to iska square loge to aayega 2n r raised to n into n minus 1 yeah okay yeah main iska solution pdf mein mention kar dungi don't worry next time pooch okay. lena agar doubt hai okay to stop okay. karte hain I took so much time